हो जरा चल के वृंदावन देखो, हो जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम गैया चराते मिलेंगे, श्याम गैया चराते मिलेंगे। हाँ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते। तो क्या करना चाहिए? जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। किशोरी जी
रूठ जाएंगी तो ठाकुर जी उनको प्यार से मना रहे होंगे, कभी चरण दबा रहे होंगे, प्यारी जो मान जाओ कौन, क्योंकि राधा रानी कौन है, आराध्या शक्ति है भगवान की, एकारो प्रकृति राधा मां भाव स्वरूपिणी, उनका दर्शन नहीं उनके गायन का विशेष महत्व है, उनके नाम उच्चारण का महत्व है। तो कहा कभी रूठ गई होगी राधा प्यारी, 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 श्याम उनको मनाते मिलेंगे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, हो जरा चल के वृंदावन देखो, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बिहारी लाल की जय हो। साथ में उनके ग्वाल वाल होंगे, साथ में उनके ग्वाल वाल होंगे, वृंदावन में जाएंगे तो जमुना जी पे जाओगे तो महाराज ये दृश्य तो आपको अवश्य मिलेगा, अगर वाकई आप चैतन्य वृंदावन में गए हो तो, वृंदावन के उस यमुना जी की कलकल करती हुई धारा के तट पर बैठ जाइएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वही यमुना नदी है जाके अंदर जाके ठाकुर जी ने कालिया नाग को मर्दन कियो, ये वही यमुना जी है जाके किनारे बैठकर ठाकुर जी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे, ये वही यमुना जी है जहाँ पर ठाकुर जी ने प्यारी जी के साथ नौका विहार की है। और तो और महाराज भगवान की 16108 पटरानियों में 16107 तो उसी समय इस धराधाम पर वही लीला को विराम किया, लेकिन यमुना जी नहीं गई क्योंकि उन्हें पता था ठाकुर जी वृंदावन से कभी दूर जाते नहीं हैं, इसलिए आज भी नित्य प्रति ठाकुर जी अपनी सारी लीलाएं उस यमुना तट पर करते हैं, इसलिए यमुना महारानी के साथ अंग संग रहने का विधान है कि वृंदावन जाओ तो यमुना के समीप अवश्य बैठो, उनसे प्रार्थना करोगे तो वो आपको अवश्य मिला देंगी प्रभु से, क्योंकि उन्हें पूर्ण मिलन का सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए बल्लभ संप्रदाय में आप देखेंगे यमुना जी की बड़ी महत्वता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यमुना मां ठाकुर जी की बड़ी नजदीक है, इसलिए कहा साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, श्याम कौवे चराते मिलेंगे, ओ श्याम कौवे चराते मिलेंगे, हे श्याम कौवे चराते मिलेंगे,
श्याम हंसी बजा